नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रिटर्न मिनट फॉर गोल चैनल में। मैं अनिमा पाल। तो आज हम बात करते हैं बचपन। किसी का भी बचपन हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा गुजरता है। बचपन के वो दिन, बचपन के वो खेल, बचपन की वो मस्ती हर किसी को हमेशा याद रहती। उसी बचपन में ना किसी से आगे निकलने की जिद और ना ही किसी से पीछे होने का डर। कितना अच्छा होता है हर किसी का बचपन। आज हम उसी बचपन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा बिना स्किप किए देखें, क्योंकि जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तभी आपको वीडियो का असली मीन, असली मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, आजकल के बच्चों का बचपन कहीं छीन सा गया है, कहीं खो सा गया है। उनके ऊपर इतना टारगेट दे दिया गया है, उनको इतना लोड दे दिया गया है पढ़ाई का, उनके काम का, उनके स्कूल का, कि आज वो अपने बचपन को भूल गए हैं। आज वो अपने बचपन की जो मीठी मीठी यादें होती हैं कहीं ना कहीं उन सबको खोते चले जाते। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सारे बच्चों से होशियार बनाने में, उनसे तेज बनाने में, एकदम स्कूल में फास्ट करने में बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर देते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बचपन को भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका बचपन एकदम खो गया है इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक पढ़ाई का बोझ, एक कॉम्पिटिशन का बोझ डाल करके उनके बचपन को नज़रअंदाज कर दिया है एकदम। तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं, पनिशमेंट, पिटाई, कंपटीशन, इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं, इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं पढ़ाई का, कंपटीशन का, कि वो ज़िद्दी होते चले जा रहे हैं, वो लापरवाह होते चले जा रहे हैं अपने काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए। जब तक उनको टोका ना जाए, जब तक उनको कहा ना जाए, जब तक उनसे बोला ना जाए, तब तक वो उनको वो चीज़ याद नहीं रहती, तब तक उन्हें वो समझ ही नहीं आता है कि हमें करना भी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है सिर्फ एक ही चीज को लेकर के। वो एग्रेसिव बिहेवियर के हो जाते हैं, वो अपने से छोटे भाई बहनों के ऊपर अपनी गुस्सा निकालते हैं या वो अपने ऊपर भी गुस्सा निकालते हैं। कई बार आजकल के बच्चे तो ऐसे ऐसी एक्टिविटीज कर देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो उनसे कभी सोचा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, उनको लगता है कि वो समझदार हो गए हैं। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। कई बार तो ये तक देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ जरूरत से ज्यादा सख्त व्यवहार करते हैं, जरूरत से ज्यादा उनसे सख्ती से पेश आते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें एकदम दबाव में रखते हैं, जिससे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और उन्हें कई बार तो मार खाने तक की नौबत आ जाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व पे, उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और ये आगे चलकर ये नेगेटिविटी का रूप ले लेता है, आगे जाकर ये उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का प्लीज़ बचपन ना छीनें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक उनका अनमोल तोहफा होता है जो उनको भगवान के द्वारा दिया होता है, और वो उस तोहफे की यादें हमेशा अपने जीवन में संजो कर रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। तो अपने बच्चों का बचपन ना छीन। हाँ, अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है स्कूल का, अगर तो उसको पनिश करने का नया तरीका अपनाएं, जैसे कि टीवी देखने का टाइम उसका कम कर देना, या फिर उसको रिझाना कि उसके मनपसंद की कोई डिश बना देना, या उसको कहीं घुमाने ले जाना, जैसे पार्क में या कोई एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट करवाना, जिससे उसके दिमाग और उसकी पर्सनैलिटी दोनों पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। बच्चों के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें और ना ही उनसे कोई भी नेगेटिव अब्यूज्ड वर्ड यूज करें, क्योंकि इन चीजों का, अभी उनका बचपन होता है तो इन चीजों का उनके बचपन में बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, जिसको वो अपनी पर्सनैलिटी से जोड़ लेते हैं और फिर वो आगे चलकर उनके पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, कभी भी पेरेंट्स अपना गुस्सा अपने बच्चों पे ना निकालें, क्योंकि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं होती है, वो हमेशा एक बचपन में बचपन की तरह ही रहते हैं, लेकिन हमारी वजह से वो बड़ों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, बड़ों जैसे वो एग्रेसिव होने लग जाते हैं, बड़ों जैसा वो गुस्सा करने लग जाते हैं, बड़ों जैसी वो एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बड़े हैं, उनको कोई डांटता नहीं है तो हम भी बड़े हो जाएंगे, हम भी वैसे ही एक्टिविटीज करेंगे तो हमको ना कोई डांटेगा ना कोई चिल्लाएगा, तो वो वैसे ही एक्टिविटीज करने लग जाते हैं जो जिस एक्टिविटीज का उनके पर्सनैलिटी पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके मन पे, उनके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उनका बचपन छिनता जाता है।
तो प्लीज दोस्तों अपने बच्चों का और उनके बचपन का जरूर ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।